नागपंचमी के बाद क्या होता है? सांपों के साथ जानकर रूठ जाएगी काम। उत्तर भारत में आज के दिन सुबह से ही नाग देवता की पूजा की जा रही है, तो कहीं कहीं पर नाग को दूध पिलाया जा रहा है। बेहद ही विषैले माने जाने वाले इस जीव पर आज फूल माला चढ़ाए जा रहे हैं देश के कई इलाकों में। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर नाग पंचमी के बाद सर्पों का होता है क्या? नहीं तो आज हम आपको बताते हैं। नागपंचमी के बाद के सर्पों के साथ काफी बेरहमी भरा सलूक होता है, जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। सपेरे जल्लाद बन जाते हैं। नागपंचमी आने से पहले ही सांप को पकड़ने वाले लोग काफी एक्टिव पोजीशन में आ जाते हैं। ये लोग जंगल से सांपों को पकड़कर सपेरों को मुंह मांगे दामों में बेचते हैं। उसके बाद सपेरे सांपों के लिए जल्लाद बन जाते हैं। वो जहरीले सांपों के दांतों को तोड़ देते हैं, जिससे सांपों का मुंह पूरी तरह से घावों से भर जाता है। सांप दूध नहीं पीता। जब नागपंचमी में वो चोटिल सांप को लोगों के सामने लाते हैं, तो सांप ज्यादा दूध नहीं पीता है। लोगों को लगता है कि सांप को उनकी पूजा रास नहीं आई, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो इतना चोटिल होता है कि कुछ खा पी नहीं सकता है। सपेरे मनगढ़ंत कहानी कहकर छेंटते हैं पैसे। सपेरे मनगढ़ंत कहानी कहकर लोगों को उल्लू बनाते हैं और पैसे ऐंठते हैं। ये सब बस आज के दिन होता है। वैसे भारत के कई इलाकों में तो सपेरे पूरे सावन माह में शिवजी का दूध सांप को बताकर लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं। नागपंचमी के बाद सांप हो जाते हैं बीमारा। नागपंचमी के बाद नागपंचमी पर मोटी कमाई करने के बाद जब बीमार सांप सपेरों के काम का नहीं रह जाता है, तो वे उसे खुले मैदान या दूर दराज के इलाकों में ऐसे ही छोड़ देते हैं। विष दांत तोड़ दिए जाने की वजह से घायल अवस्था में अधिकांश सांप कुछ ही दिन में भूख प्यास से तड़प कर मर जाते हैं।